दोस्तों, मैं हूं रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती। जी हां दोस्तों, 248 भर्तियां की जा रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें ज़रूरत है किसी भी ग्रेजुएट की। अगर आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट है, आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है यानी कि, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आगे कि क्या है इस नौकरी के लिए पूरी डिटेल, कहाँ कहाँ पर निकली हैं, कितनी कितनी भर्तियाँ और कैसे करना है इसके लिए अप्लाई, सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल रिंक्स चॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी और अन्य भर्तियों की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर इस भर्ती की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट की तरफ से निकाली गई है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए ज़रूरत है किसी भी ग्रेजुएट की। अगर आपने स्नातक किया है यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। नौकरी करने का स्थान है पंचकुला और निकाली गई है पूरी 248 भर्तियां। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है अप्लाई इस नौकरी के लिए, कैसे करना है आवेदन, कैसे मिलेगी आपको यह नौकरी। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इस नौकरी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से। अगर इस भर्ती के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति चलेगा, यानी कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फरीदाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़ और किस जगह पर निकाली गई है भर्ती, आगे आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में डिटेल से। और एक बात आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं भी काम नहीं किया, आपको कोई अनुभव नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी की भर्ती में फ्रेशर को ही लिया जा रहा है, यानी कि जिनको कोई एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है उनकी इस नौकरी के लिए ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप खाली बैठे हैं, इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या पता ये नौकरी आप ही का इंतज़ार कर रही है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। लेकिन इससे पहले यह बता दूं कि 20 मार्च 2018 है इसकी लास्ट डेट, यानी कि आपको जो आवेदन करना है वो 20 मार्च 2018 से पहले पहले करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, यानी कि पोस्ट या डाक के माध्यम से आवेदन करना है। मैं तो कहूंगी कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करें, ताकि आपका आवेदन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आसानी से और सुरक्षित पहुंच जाए। दोस्तों, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर दीजिए। और मैं बताती हूँ आपको कैसे आवेदन करना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ग्रेजुएशन तक के, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, यानी कि अपने खुद सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट करके। एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं आपको बता दूंगी कि वो कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर आप उस पते पर भेज दीजिए जो मैं आपको आगे बताऊंगी दोस्तों। और उसमें अपना फ़ोन नंबर और मेल आईडी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फ़ोन नंबर और मेल आईडी के माध्यम से ही आपको सूचित किया जाएगा जब आपको सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फ़ोन नंबर और मेल आईडी के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। हो सकता है आपके पास पोस्ट के माध्यम से भी आ जाए, लेकिन अगर पोस्ट के माध्यम से कोई भी परेशानी होती है तो आपको मेल या फ़ोन आ जाएगा दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको भेजा जाएगा, नौकरी के लिए बुलावा आएगा आपको, आपके पास बाकी चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो इसलिए फ़ोन नंबर या मेल आईडी लिखना बिल्कुल भी ना बोले। आगे देखिए कि कैसे करना है आपको अप्लाई, कैसे पता चलेगा आपको, कैसे निकलेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसके द्वारा आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि किस पते पर आपको वो भेजना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म किस पते पर भेजना है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, हेल्ट्रॉन भवन, बेज नंबर 7376, सेक्टर 2, पंचकुला। दोस्तों, इस पते पर आपको भेजना है 20 मार्च 2018 से पहले पहले। और मैं आपको बता दूँ कि बताऊँगी आगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ और आपको क्या चीज़ भेजनी है जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, क्या आपको लगाना है, आगे देखिए इस वीडियो में। और मैं आपको ये जो एड्रेस है जो आपको दिखाया मैंने स्क्रीन पर, अगर आपको ठीक से ना दिख रहा हो तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी ये, ताकि आपको नोट करने पर, लिफाफे पर लिखने पर आसानी हो सके दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको ये वेबसाइट लिंक भी और ये पता भी, नौकरी के लिए जो फॉर्म भेजना है आपको, ये पता भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, ताकि आपको सुविधा हो सके। आगे देखिए कि आपको क्या लगाना है, ऐसी चीज़ जो आपको भेजनी है एप्लीकेशन फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। दोस्तों, इस नौकरी के लिए आपको जो आवेदन करना है उसकी पूरी डिटेल क्या है, और पंचकुला में जो ये निकली है भर्तियाँ कहाँ कहाँ पर,
कितनी कितनी पोस्ट निकली है, किस किस जगह पर कितनी कितनी भर्तियां निकली हैं, आगे आपको मैं बता रही हूँ पूरी डिटेल से। मैंने आपको जो वेबसाइट लिंक दिया है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जब आप उस वेबसाइट लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पर ये भर्तियाँ निकली हैं, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। वेबसाइट लिंक भी मैंने आपको दे दिया है जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, और इसके साथ जो डिमांड ड्राफ्ट लगेगा वो कितना लगे, कितने रुपये का लगेगा, और किस पते पर, किस पते के लिए वो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, यह सब उसको आपको उस वेबसाइट लिंक में पता चल जाएगा। दोस्तों मैंने वो वेबसाइट लिंक खुद भी खोल कर देखा और मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए मैं, ताकि आपको और भी परेशानी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने वेबसाइट लिंक खोलकर खुद पूरी डिटेल पढ़ी और इसी तरह से ये डिटेल मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और कितने का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाया जाएगा। देखिए इस वेबसाइट लिंक में आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस तरह से। देखिए दोस्तों जब आप ये वेबसाइट लिंक खोलते हैं जो मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपके सामने ये पेज आ जाता है जो लिखा हुआ है हैट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ हैट्रॉन, हैट्रॉन भवन बेस नंबर 7376 सेक्टर 2 पंचकुला। और इसमें देखिए दोस्तों फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है जो मैंने आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये फ़ोन नंबर भी मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा जहाँ पर कॉल करके आप डिटेल भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। इम्पैनलमेंट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। देखिए दोस्तों ये नौकरी है फरीदाबाद में निकाली गई है 30 भर्तियाँ, गुरुग्राम में 24, झज्जर में 16, महेंद्रगढ़ में 15, नू में 36, पलवल में निकाली गई हैं 34 वैकेंसी, पानीपत में 22 वैकेंसी, रेवाड़ी में 33, रोहतक में 12 और यमुनानगर में निकाली गई है 26 इसमें रिक्रूटमेंट्स। और ये वेबसाइट लिंक है जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ hatron.org.in, इस पर मिल जाएगी आपको पूरी डिटेल। और जो वेबसाइट लिंक खोलकर मैंने ये डिटेल निकाली है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वेबसाइट लिंक जहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है डिमांड ड्राफ्ट बनेगा आपका 354 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेगा, तब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट देना है आपको 354 रुपये का जो बनवाना है आपको इनके फेवर में। और देखिए दोस्तों ये जो आप शेड्यूल है टेस्ट का, जो इसमें टेस्ट होगा वो जो अप्लाई करना है टेस्ट, जो शेड्यूल निकलेगा वो निकलेगा 20 मार्च 2018 के बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो टेस्ट होगा शेड्यूल का वो आप यहाँ से, ये पंचकुला में लिया जाएगा दोस्तों, टेस्ट जो होगा वो पंचकुला में लिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा इस टेस्ट के बाद। और एप्लीकेशन जो आपको देना है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 14 मार्च 2018 शैल बी रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन एंड डिमांड ड्राफ्ट शैल नॉट बी रिटर्न बैक टू द एप्लीकेंट्स। मतलब कि आपको ये भरना है, देखिए दोस्तों पूरी डिटेल इसमें दी गई है, 14 मार्च 2018 से पहले पहले आपको इसमें आवेदन कर देना है दोस्तों। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कॉरपोरेशन www.hatron.org.in फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, नो कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू इंडिविजुअल सेपरेटली। देखिए इसमें लिखा हुआ है पूरी डिटेल कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली है मैंने आपको दिखा दिया है, और ये वेबसाइट लिंक भी आपको दिखा दिया है मैंने। और मैं आगे आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है इसका वेबसाइट लिंक, मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ दोस्तों, वहाँ से आप निकाल कर देख सकते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने वेबसाइट लिंक आपको दे दिया है। बाकी ये फ़ोन नंबर है जहाँ पर आप कॉल करके कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कुछ भी इंक्वायरी क्वेरी कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं इस फ़ोन पर कॉल करके दोस्तों, जो इन्होंने नंबर दिया हुआ है पंचकुला का। बाकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता ही दी है, साथ ही वेबसाइट लिंक जो नीचे दिया हुआ है इस पर भी आप देख सकते हैं hatron.org, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है आप देख लीजिएगा, इसमें अपडेट्स दी हुई है वो आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप इस तरह से पूरी डिटेल देख सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, उस डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही आपको अप्लाई करना है, पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें यह भी लिखा हुआ है, मैं बता दूं कि अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दो नौकरियों के लिए, दो भर्तियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको हर एक भर्ती का अलग डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और हर एक नौकरी के लिए अलग डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होगा। मतलब अगर आप एक नौकरी का भरते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट, दूसरी नौकरी के लिए भरते हैं तो दूसरी नौकरी के लिए अलग डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि दो डिमांड ड्राफ्ट बनाए जाएंगे और आप पोस्ट के माध्यम से इसको भेज सकते हैं। मैं तो कहूँगी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से उस पते पर भेज दीजिए जो पता मैंने आपको बताया है इस वीडियो में दोस्तों।
तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कैसे पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से नौकरी के लिए आपको आवेदन करना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे क्या मिलेगा, आपको सब कुछ उस लिंक के द्वारा पता चल जाएगा। आप अपने फ़ोन में ही इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, वैसी ही डिटेल जैसी मैंने अभी आपको दिखाई इससे पहले खोल कर, कि कैसे किस किस जगह पर कितनी पोस्ट निकली है और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है इसका प्रोसेस, सब कुछ आपको बता दिया। नौकरी के लिए जो पोस्ट के माध्यम से भेजना है वो पता भी मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो पता दोबारा लिख कर दे रही हूँ। मैंने नौकरी का फ़ोन नंबर भी आपको दे दिया है, जहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करके कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। और फिर से बता रही हूँ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें अपने आवेदन पत्रों के साथ दोस्तों, कोई गलती ना करें फॉर्म भरते हुए दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके दोस्तों। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस नौकरी की, तो आप शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे दबाइए, साथ ही बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी और अन्य भर्तियों की जानकारी आपको आसानी से मिल सके दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।